ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 94.40 करोड़ से बनेगा चालक प्रशिक्षण संस्थान। 30 एकड़ से बनने वाले इस संस्थान में इलाके में हजारों बेरोजगार युवाओं को बढ़ेगा कौशल विकास। उचाना में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संबंध में सरकार को प्रस्ताव पास हो चुका है। यह चालक प्रशिक्षण संस्थान उचाना में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उचाना में उन ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव मांगे जहाँ पर 30 एकड़ भूमि की उपलब्धता होगी। दिन से MH1 के लिए रोहतास मोड़ा की रिपोर्ट। यमुना में डूबे 5 में से 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। NDRI की टीम के साथ साथ स्थानीय गोताखोर भी तलाश करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की टीमें हैं अलग अलग इलाकों में चेक कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं उनको ढूंढने का। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इलाका है ये काफ़ी बड़ा इलाका है और जो डेड बॉडी मिली है एक घटनास्थल के आसपास मिली है, दूसरी 2 किलोमीटर दूर और तीसरी 5 किलोमीटर दूर मिली है। इसलिए NDRI की जो टीम है और बाकी लोगों को शवों को तलाश करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पानी कुछ कम हुआ है, जिसकी वजह से जो 3 बॉडी हैं वो मिल चुकी हैं। उपायुक्त ने दौरा किया है इलाके का और साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, पुलिस ने 10 से 11 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जिन लोगों की वजह से यह लोग पानी में कूदे थे और इनकी मौत हो गई, इसकी वजह से पुलिस ने मामला दर्ज किया है और युवकों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया था। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। CM भगवंत सिंह मान ने आज लोक मिलनी कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। पंजाब भर से अलग अलग जगहों से यहां लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग जो है अपनी समस्याएं लेकर चंडीगढ़ के पंजाब भवन पहुंचे थे और CM भगवंत सिंह मान ने तकरीबन 11 बजे ये बैठक जो है पब्लिक मीटिंग शुरू की और तकरीबन 3 बजे तक जो है लोगों की शिकायतें सुनी। हर आदमी को CM भगवंत सिंह मान की ओर से टाइम दिया गया, तकरीबन 5 से 7 मिनट टाइम जो है हर आदमी को दिया गया जो अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंचे थे, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं हो, चाहे निजी झगड़ों की समस्याएं हो, या चाहे अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याएं हो, या गांवों से संबंधित समस्याएं हो, या मोहल्ले से संबंधित समस्याएं हो, तमाम समस्याएं लेकर जो है लोग यहाँ पहुंचे थे, जिनका मौके पर निपटारा करने की कोशिश की गई। अधिकारी जो है अलग अलग विभागों के CM भगवंत सिंह मान के साथ मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी के तेवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर बीते दिन रविवार को 47 डिग्री तक टेम्परेचर 8 जिलों के अंदर रहा। वहीं आने वाली 17-18 मई को प्रदेश के अंदर उत्तर हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के अंदर धूल भरी आंधी चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से लोगों को हिदायतें दी गई है कि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर यदि बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बात की जाए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की, तो वो 31 मई को जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचेंगे और इसी स्थल पर यदि बात की जाए रिज मैदान की, जहां पे देश के प्रधानमंत्री आकर यहां पे अभिवादन स्वीकार करेंगे जनता का और एक विशेष रैली जो है यहां पे रखी गई है। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो रिज मैदान का जो है वो तस्वीर दिखाएँ जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और बात की जाए ऊपर जो मंच है वहाँ से जो है वो जनता को संबोधित करेंगे, प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से जो है केंद्र सरकार ने जो है वो अपने 8 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में भी 30 मई से जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 30 मई से लेकर 15 जून तक जो है ये जो विशेष कार्यक्रम प्रदेश भाजपा द्वारा चलाया जाएगा, इसमें यदि बात की जाए सेवा सुशासन तथा गरीब कल्याण की योजनाएं जिस तरह से प्रदेश एवं देश में जनता के लिए समर्पित की गई हैं,
नरेंद्र मोदी द्वारा, उसको जो है जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए उसको लेकर जो है वो यहां से एक मुहिम शुरू की जाएगी। क्योंकि यदि बात की जाए केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के साथ साथ प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार भी अपने कार्यकाल का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, उसको लेकर निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर रूपरेखा जो है प्रधानमंत्री के सामने भी रखी जाएगी कि किस तरह से जो गरीब कल्याण योजनाएँ हैं उन्हें जो है जनता तक पहुँचाया जाए। और आने वाले समय में यदि बात की जाए लोकसभा चुनावों में किस तरह से भाजपा मिशन रिपीट करेगी और हिमाचल प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें किस तरह से भाजपा जो है वो अपने मिशन रिपीट को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि यदि बात की जाए बीजेपी सरकार की तो वो लगातार जो है वो यूपी की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ पर मिशन रिपीट हुआ है और पर्वतीय राज्यों की श्रृंखला में हिमाचल भी अपना तगमा बढ़ाना चाहता है और मिशन रिपीट की ओर जिस तरह से प्रदेश सरकार बढ़ रही है तमाम बातों को लेकर क्या कुछ रहेगा वो आने वाले भविष्य में रहेगा। और साथ ही साथ बात की जाए एसपीजी की तो एसपीजी 20 मई को जो है वो शिमला पहुंचेगी और इस रिज मैदान का जो निरीक्षण करेगी और इसे अपने कब्जे में लेगी। क्योंकि जब भी देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए एसपीजी वहां पहुंचती है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को जो है वो अलर्ट पर रखा जाता है चाहे वो प्रदेश की हों या देश की हों। बहरहाल मुख्य प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सभी में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बात की जाए खासकर भाजपा की तो भाजपा काफ़ी उत्साहित है केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHN प्राइम, शिमला। देश के अन्य हिस्सों में जहां गर्मी ने अपना रिकॉर्ड बनाया वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जिस तरह से 2 दिन का अलर्ट जारी किया है आज और कल जो है वो मौसम खराब रहेगा, येलो अलर्ट जो है वो प्रदेश के लिए जारी किया है। और वहीं यदि बात की जाए 20 तारीख का अन्य हिस्सों में जो है वो कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है उसकी चेतावनी भी जो है मौसम विभाग ने दी है। बात करें सैलानियों की तो जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है उसी के चलते यहाँ पर सैलानियों का रुख जो है वो देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में जो है वो सैलानी यहां पर आ रहे हैं। और बात की जाए मौसम की तो निश्चित तौर पे मौसम से जो है कहीं ना कहीं सैलानियों को गर्मी से निजात मिली है और कहीं ना कहीं वो पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और छुट्टियां होने के चलते जो है वो सुहावना मौसम का लुत्फ उठाने के लिए राजधानी शिमला में सैलानी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं सैलानी हैं वो किस तरह से यहाँ पर आकर मौसम के साथ साथ जो है वो अन्य चीज़ों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग की तो यहाँ पर काफ़ी पर्यटन विभाग तथा पर्यटन से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। क्योंकि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की तो कहीं ना कहीं आर्थिकी जो है वो सैलानियों से जुड़ी होती है, पर्यटन विभाग से जुड़ी होती है। क्योंकि जब सैलानी यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आर्थिकी में भी इजाफा होगा और जिस तरह से मौसम जो यहाँ पे खुशनुमा है और उसी का आनंद लेने के लिए सैलानी जो हैं वो शिमला पहुँच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHN प्राइम, शिमला। प्रधानमंत्री अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कुशीनगर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वो यहां से नेपाल गए। नेपाल के लुम्बिनी में एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। गौरतलब है कि लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। वहां से लौट करके वो कुशीनगर आए और कुशीनगर वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तत्पश्चात प्रधानमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में योगी जी ने उनका स्वागत किया और उनको लेकर के अपने सरकारी आवास 5 कालिदास आए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के मंत्रियों के साथ ने मुलाकात की, केंद्रीय योजनाओं की चर्चा की, उनसे बात की और साथ ही साथ ने प्रदेश में चल रही योजनाओं पर भी चर्चा की। इसके साथ ही 2024 की जीत का मंत्र भी दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस जीत का मंत्र कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MHN न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल सिरसा आ रहे हैं लगभग 6 महीने के बाद यानी कि इलाहाबाद चुनाव के बाद, और 350 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो सिरसा को देंगे। 15 जो है वो उद्घाटन करेंगे, लगभग 50 करोड़ 74 लाख की वो परियोजनाएं हैं जिसमें कुछ 33 केवी के सब स्टेशन हैं,
कुछ जो हेल्थ के CHC हैं, PHC सेंटर्स हैं, कुछ रोड के निर्माण हैं। इसी तरह 27 परियोजनाएं जो लगभग 292 करोड़ की हैं उनका वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें कई गांवों में जो है 33 KV सबस्टेशंस बनने हैं, CHC बनने हैं, PHC बनने हैं, कुछ पॉन्ड्स की रीमॉडलिंग है और कुछ जो है वो सड़कों के निर्माण है। लगभग सिरसा के जो लगभग 50 गाँवों को वो इन जो है परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। लोगों में इस बात की बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जो है लगभग 350 करोड़ की परियोजनाओं का कल सिरसा को सौंपेंगे और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। सिरसा के लोगों को एक और उम्मीद थी कि एम्स का अगर शिलान्यास रखा जाता, क्योंकि एम्स की जो अनाउंसमेंट है वो CM अनाउंसमेंट वो बहुत टाइम पहले हो चुकी है, उसकी उम्मीद थी। हो सकता है मुख्यमंत्री 29 मई को फिर आएंगे ओडा रैली के लिए, लेकिन सिरसा के लोगों को एम्स के लिए बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन लोगों में इस बात की बड़ी खुशी है कि 350 करोड़ की परियोजनाओं का जो है सौगात सिरसा को मिलने जा रही है। MH1 न्यूज़ के लिए सिरसा से बलजीत सिंह। प्रदेश में बार बार भर्तियां रद्द होने व पेपर लीक होने को लेकर छात्र आज रतिया की सड़कों पर उतरे। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले आज सैकड़ों छात्र शहर की सड़कों पर बाइक रैली निकाली और सरकार पर कई गंभीर आरोप जड़े। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार बेरोजगारी फैला रही है और युवा आज बेरोजगार हैं। सरकार युवाओं को नौकरियां नहीं दे रही और बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और भर्तियां रद्द हो रही हैं। इसके अलावा छात्रों ने आज खालसा त्रिस्तोवदी कॉलेज की मांगों को लेकर भी एक ज्ञापन स्थानीय विधायक के कार्यालय में दिया और मांग की कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएं। वहीं छात्रों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगें पूरी न की तो आगामी नगर परिषद व पंचायत चुनावों में इसका मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। अशोक ग्रोवर, MH1 न्यूज, रतिया। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर गर्मी ने अपना सितम ढा रखा है, पारा करीब 50 डिग्री छूने को आ गया है, वहीं बिजली संकट भी एक बड़ी समस्या लोगों के बीच बन के आया है। लगातार चढ़ते पारे के बीच में बिजली कटौती भी एक जो है वो बड़ी समस्या लोगों के लिए बन के आई है। शहर से लेके गांव तक हर ओर कटौती हो रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कुछ VIP क्षेत्रों को छोड़ के बाकी समूचे लखनऊ जैसी जगह पे भी 2 से 4 घंटे की कटौती हो रही है। रुक रुक के ये कटौती करी जा रही है। वहीं अगर बाकी अन्य जिलों की बात करें तो 12 से 14 घंटे ही जिला मुख्यालयों पे बिजली दे पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और बुरा हाल है, करीब 18 घंटे तक की कटौती वहां करी जा रही है। मात्र 6 घंटे की बिजली ही ग्रामीण क्षेत्र में दी जा पा रही है। कारण यह है कि इस वक्त बिजली की खपत गर्मी को देखते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि करीब 25,348 मेगावाट की खपत दर्ज करी गई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वहां से बिजली लगभग शून्य के बराबर मिल रही है, क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक नदियों में पानी नहीं आएगा और वहां पे बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इंद्र भगवान कब तक लोगों पर मेहरबान होते हैं और इस गर्मी और बिजली जैसी समस्याओं से लोगों को निजात दिलाते हैं। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ।